जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो मेरे लोगों के लिए सही वो सही, जो मेरे लोगों के लिए गलत वो गलत। नायगांव ईस्ट में जो स्ट्रीट लाइट का जो इशू है वो अब बढ़ता ही जा रहा है। काफ़ी टाइम हम लोग ने काफ़ी टाइम कॉल किया, फॉलोअप किया, पर कहीं ना कहीं VVMC के अधिकारी जो मंदर है, ठीक है, वो अपने यहाँ का जॉब को निगलेक्ट कर रहा है। कल रात को हम लोग ने कंटिन्यूस उनको कॉल किया, क्योंकि चार दिन से सिटीजन कॉलोनी का जो मेन रोड है और इंटरनल रोड्स है, इसकी स्ट्रीट लाइट बंद है। कल एक सीनियर सिटीजन अंकल गिरा, उनको टाके लगे। जब ये विषय हाईलाइट हुआ, हम लोग ने फिर कांटेक्ट करने की कोशिश किया, तो मंदार ने हमारे एक मेंबर को बोला कि ये तो MSEB का प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। MSEB को कांटेक्ट किया गया तो उन लोग ने क्लियर बोला कि एवरीथिंग, द पावर सप्लाई एवरीथिंग इज़ वर्किंग, इट इज़ समवेयर कोई टेक्निकल रीज़न होगा, तो ये VVMC के अंडर में पड़ता है, तो VVMC हैज़ टू बी टेकन इन चार्ज। VVMC का जो यहाँ का जो लाइट स्ट्रीट लाइट का इंचार्ज है हरीश बोईर, वो उनकी तबीयत ख़राब है, तो वी अंडरस्टैंड कि बाबा एक ऑफिसर की तबीयत ख़राब है, तो वी हैव टू लुक अबाउट दैट। तो अगर एक ऑफिसर की तबीयत ख़राब है तो मंदार जो कि सीनियर इंचार्ज है, ही हैज़ टू मेक श्योर दैट फोर दिन से अगर एक लाइट बंद है, कंप्लेंट आ रहा है, तो ही शुड हैव लुक इन टू दिस। पर उन्होंने इसके ऊपर एक डेफ ईयर और एक गांधी जी का बंदर बोलते हैं ना कि कान आँख नाक मुँह सब बंद रखो, वो पैटर्न में मंदार अपना काम करता है। कल रात को इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल में, रात को 9 बजे जब हम कमिश्नर गंगाधरन DG को कंप्लेंट करते, इमीजिएटली उनको मैसेज भेजते, आप देख सकते हो कि ये रिप्लाइड विद इमीजिएट इफेक्ट। अगर हमारे VVMC के कमिश्नर रात को 9:30 बजे रिप्लाई कर सकता है, तो वॉट इज स्टॉपिंग मंदार। मैं जी वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर राजेंद्र कदम, जो कि एकदम इररिस्पॉन्सिबल पर्सन है कॉमन मैन के तरफ से, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ कि ही इस कभी वो अवेलेबल रहता नहीं है, इसका एक तो फ़ोन हमेशा अदर कॉल पे डाइवर्ट होता है। मुझे नहीं समझ में आता है वाई इज़ राजेंद्र कदम कभी भी कॉमन मैन के लिए अवेलेबल नहीं है, जबकि म्यूनसिपल कमिश्नर अवेलेबल हो सकता है, दूसरे पानी परोटा के डिपार्टमेंट के टीम अवेलेबल हो सकता है। तो राजेंद्र कदम जी, आप असिस्टेंट कमिश्नर हो जी वार्ड के, तो आप सिर्फ क्या बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर्स इलीगल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के माफियाज इनके लिए अवेलेबल होते हो, बाकी एक कॉमन मैन के लिए आपकी कभी अवेलेबिलिटी होती नहीं, आपकी कभी भी सुनवाई होती नहीं है। राजेंद्र कदम सर इज नॉट डूइंग हिज जॉब प्रॉपरली एंड मंदार एज नॉट एवर डूइंग हिज जॉब प्रॉपरली। ये आदमी को कितने बार, ये 4, 6, 8 महीने में काफ़ी टाइम मंदार को उनकी ड्यूटीज़ याद दिलाने के लिए हमको कॉल करना पड़ता है, काफ़ी लोग कॉल करते हैं उनको, बट हमेशा उनका एक डेफ ईयर है। उनकी जो स्टाफ है जो नायगांव ईस्ट में से थे, हरीश बोईर एंड टीम, उन लोग 24/7 उनका वर्कआउट है थे। अभी इनका ये पीरियड में उसकी तबीयत ख़राब थी, तो मंदार का काम था कि अगर उनका एक टीम मेंबर की तबीयत ख़राब है तो वो इमीजिएटली दूसरा एक टीम को अलॉट करके, यहाँ पर चार दिन से लाइट नहीं है तो करना चाहिए। VVMC के अंडर में स्ट्रीट लाइट आता, इट इज़ वन ऑफ द फैसिलिटीज़ जो टैक्स पेयर लोग को इस चीज़ की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ स्ट्रीट लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम होते हैं, 2-2, 3-3 बल्ब जाते हैं। फ्राइडे को एक दिन आप सर्वे करो, आप चेक कर लो कि कौन सी स्ट्रीट लाइट चलती है कौन सी नहीं, बट मंदार इज़ नॉट डूइंग हिज जॉब। अब इस पे मेरी एक्शन क्या होगा मैं ये बता रहा हूँ। मंडे मॉर्निंग को मैं मेरे निवेदन पत्र लेकर तत्काल मैं मंदार को इस जॉब से बर्खास्त करने का या सस्पेंड करने का ऑर्डर इशू करना चाहिए कमिश्नर साहब के पास मैं जाने वाला हूँ। बिकॉज एक बार गलती होती है माफ़ करता है, 2 बार गलती माफ़ कर सकता है, 3रे बार गलती नहीं होता है वो डेफ ईयर होता है। मैं समझता हूँ कोविड सिचुएशन है, रेनी सिचुएशन है, हम लोग को सब चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है, पर 4-4 दिन अगर स्ट्रीट लाइट्स बंद होता है तो इट इज़ समथिंग अ बिग क्वेश्चन मार्क टू मंदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो मेरी गंगाधरन सर से एक ही रिक्वेस्ट है, राजेंद्र कदम जी वार्ड को आप प्लीज़ आदेश दीजिए कि प्लीज़ अवेलेबिलिटी रखिए कॉमन पीपल को मिलने के लिए। ऑफिस बनाया गया है, कैबिन बनाया है लोगों के लिए, आपको उनको घर पे बैठ के ऑपरेट करने के लिए ये गलत है। आप उनको प्लीज़ राजेंद्र कदम जी को आदेश दीजिए और मंदार को तात्काल इस पोस्ट से बर्खास्त कीजिए, बिकॉज आई थिंक वो सिर्फ बैठे बैठे सिर्फ सैलरी ले रहा है और उसको यहाँ पर हमारे वार्ड का स्ट्रीट लाइट्स पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।